गोरखपुर विश्वविद्यालय के 4 छात्रों द्वारा सोमवार को बिना एंट्री कराए लाइब्रेरी में प्रवेश करने पर विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद द्वारा किए गए कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चीफ प्रॉक्टर के कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को विश्वविद्यालय के लगभग 100 से ज्यादा छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के हॉस्टल से जुलूस निकाला। जल्द से जल्द ये जुलूस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचा, जहां छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर की निलंबन की मांग को लेकर कुलसचिव शत्रुघ्न वैश्य का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। घेराव के दौरान छात्रों ने घटना का पूरा विवरण कुलसचिव के समक्ष रखा और चीफ प्रॉक्टर के तत्काल निलंबन की मांग भी की। छात्रों को संबोधित करते हुए कुलसचिव शत्रुघ्न वैश्य ने छात्रों से कहा कि निलंबन करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मामला कुलपति तक पहुंचाया गया है। इसके निर्णय के बाद बुधवार को कार्रवाई पर चर्चा होगी। कुलसचिव के इस आश्वासन के बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता राजीव यादव ने कहा कि चीफ प्रॉक्टर ने 4 छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो क्षम्य नहीं है। वहीं चीफ प्रॉक्टर ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी की अपनी अलग मर्यादा है ये कहा। सोमवार को 4 छात्र बिना एंट्री दर्ज कराए लाइब्रेरी में प्रवेश कर वहां के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, जिन्हें हल्की पनिशमेंट देकर छोड़ दिया गया था। छात्रों का आरोप निराधार है। वहीं गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलसचिव शत्रुघ्न वैश्य ने कहा कि कुलपति से इस मामले को अवगत करा दिया गया है। बुधवार को छात्रों, चीफ प्रॉक्टरों और कुलपति की बैठक होगी, जिसके बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। स्थिति ये बना है, एक मिनट शांत हो जाइए सर लोग। स्थिति ये है सर कि उनके दर नहीं उखाड़ती हुए सर। आपकी बात सुन सर, राजू भाई अपने मुद्दे की हम लोग बात करें और किसी से कोई बात नहीं कर रहे। हम लोग बच्चों को बहला फुसला जैसे भी लेके आए, सब टंकी भीतर के आपने चेक वो कह रहे हैं भाग जाओ, वरना तुम सभी को ऊपर मुकदमा करवा के अभी भेजवा दूंगा। हम लोग को धमका रहे कि तुरंत सर जो मामला वो हैंडल कर सके। बेंच इंस्पेक्टर साहब को फोन किए, वहां से 2 गाड़ियां आई और पूरी पुलिस प्रशासन हम लोग को घेर लिया। मात्र 8-10 लोग हैं, उतने लोगों को घेर लिए। वो तो बेंच इंस्पेक्टर साहब समझाया कि चलो जो फोटो प्राप्त पढ़ने ही ना है यूनिवर्सिटी में या फिर मतलब बताइए कान पकड़वाना कहाँ पानी समस्या को देखते हुए अलग अलग बोरिंग करवाई की आपकी पानी समस्या साल हो, क्योंकि 2-3 बार हमने सोचा की कई बार मनी प्लान किया, हर हॉस्टल में बोरिंग का काम किया। हमने नगर निगम को भी लिखा की आपका अलग से कनेक्शन करे, मतलब हम यही लगे की आपको सुविधाएं मिले। कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कभी कभी जो हमारे संज्ञान में भी नहीं आती, आप लोगों के माध्यम से आती है। और अगर इन बच्चों को कुछ हुआ है भाई, तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से क्षमा चाहते हैं। हमारी कोई ऐसी व्यक्तिगत मंशा नहीं, कोई भी बात सुन लीजिए। देखिए, दूसरी बात है कि प्राक्तर को हटाना या रखना ये मेरे पावर में नहीं, आप जानते हैं। मेरी जितनी पावर्स होगी मैं उसका इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन आपका जो भी प्राक्तर को रखना है, हटाना है, वो आपकी बात हम डीसी सर को पहुंचा सकते हैं। हम एक माध्यम हैं, क्या ये आप जानते होंगे रजिस्ट्रार का कितना रोल है। आपकी अपनी डीसी साहब आज नहीं है, संभवतः कल रहे हैं इस चीज को लेकर। सर वो तो एक हफ्ते से नहीं है, आप अपना राय एक महीने में 5 दिन रहते हैं, 25 दिन गायब रहते हैं भाई। देखिए मेरा तो ना भरोसे हम लोग नहीं, बात के बाद सर आप भी लगे हूं, ऐसा नहीं है भी हमारे हम सब हमारे स्टूडेंट ऐसा नहीं, हमसे जितने लोगों से आज तक मुलाकात हुई होगी ऐसा नहीं, मैं अपना ही कोई बात नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टर को हमने कहा है कि वो हमको सिर्फ आदेश निकालना रहता है, किसको नामित, किसको उन्होंने बनाया, किसको नहीं बनाया, हमारी चीजें ये अधिकार में नहीं है। मैं कर सकता हूँ, डीसी सर को पावर से कि किसी को बनाए, हम वो जिसको बना देते हैं। हमारे यहाँ से आदेश सिर्फ निकलता है कि इनको बनाया गया है,
आपकी बातें, आपकी बातें हम उसको रख देंगे सर, उसके वही चीजें होते हैं प्रभारी के पास। और कल क्योंकि बीसी सर ने मीटिंग रखी है तो इसलिए हमें ये उम्मीद है कि कल बीसी साहब रखेंगे, क्योंकि कल उन्होंने मीटिंग। आप लोगों ने कुल सचिव को अभी बातचीत किया, घेराव भी किया, क्या निष्कर्ष निकला वहाँ? निष्कर्ष ये निकला कि छात्र जो थे वो आज हॉस्टल में अपने कमरों में आत्महत्या करने वाले थे। हम लोग को जानकारी मिल रही तो बड़ी छात्र नेता बड़े भैया अमर पासवान, कमलेश यादव जी, श्री शंकर गौर जी, सभी लोग हम लोग वहाँ पहुँचे। उन छात्रों से उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि भैया हम लोग इतने जलील हो गए हैं कि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट होने के बावजूद भी लाइब्रेरी में जाना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि प्रैक्टर साहब ने मारा और बंदूक के नोक पे हम लोग को विश्वविद्यालय गेट के पीछे उठक बैठक कराया। तो इसके लिए हम लोग सभी छात्र नेता और सभी छात्र इकट्ठा होकर हम लोग गए और आज कुलपति महोदय थे नहीं, उनके अनुपस्थिति में हम लोगों ने पूरे उनके चैम्बर को कुल सचिव जी का घेराव किया और कुल सचिव जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है और उन्होंने खेद व्यक्त किया कि एक प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस को देंगे कि विश्वविद्यालय इस मामले में शर्मिंदा है। और कल 11 बजे बैठक बुलाई गई है जिसमें जितने भी प्रकरण विश्वविद्यालय में जो प्रैक्टर साहब के द्वारा हो रहा है उनके खिलाफ होगा, उसमें इन चार बच्चों को बुलाया गया है और हम लोगों को भी बुलाया गया, हम लोग अपनी बात रखेंगे। कुछ छात्रों का आरोप है सर कि उनके साथ अभद्रता किया गया आपके द्वारा, जिसको लेकर वो कुल सचिव का घेराव भी कर रहे हैं, पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? कि कोई अभद्रता नहीं की गई है, विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है, उसमें जो है लाइब्रेरी भी एक बहुत ही मतलब पवित्र जगह है, पूरी विश्वविद्यालय ही पवित्र है लेकिन जो लाइब्रेरी है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है और उसमें एक व्यवस्था ये बनाई गई है कि जो भी उसमें जाए, ये हर जगह का नियम होता है लाइब्रेरी का, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो इवन प्रोफेसर को भी बिना एंट्री के वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे जो भी वहां जाता है तो अपनी आईडी जो है दे करके वहां जाएगा। वो रजिस्टर वहां रखा है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड वहां रहते हैं लोग 10 से 5 तक जो है प्रॉपर, वो लड़के का नाम मोबाइल नंबर और क्लास जो है लिखते हैं और लड़के जाते हैं। और ये 4-5 लोग जो है इनके हाथ में न तो कॉपी था न किताब थी न पेन था, कुछ नहीं था। ये लोग 4-5 लोग अंदर जो है गए थे और वाचनालय में, जैसा कि आप जान रहे हैं बहुत दिनों के बाद ऐसा माहौल बना है कि बच्चे जाके पढ़ लिख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, उसमें जाकर के ये लोग उधम मचाए और उसके बाद हमको सूचना मिली और फिर जो है मैं गया तो उसके बाद ये लोग फिर के निकल के भागने लगे। तो हमने कहा भाई सही बताओ आप लोगों ने एंट्री किया है? तो इन लोगों ने बोला कि हाँ एंट्री किए हैं। हम कहा अच्छा ठीक है आप एंट्री दिखा दीजिए रजिस्टर में कहाँ है, फिर मैं ले आया। उसके बाद जो है ये इनके पास आई कार्ड तो था और हमारा तो किसी और कोई पर्पज था नहीं, हमारा तो ये पर्पज है कि भाई बच्चे गए तो सिस्टम के साथ जो है उसमें पढ़े लिखे और बहुत सूचनाएं मिलती हैं जैसे कि अव्यवस्था करते हैं तो बच्चे ही हमको डायरेक्ट फोन करते हैं कि सर जो है ऐसे कुछ लोग उधम मचा रहे हैं, तो मैं जाता हूँ। वही हुआ कल जो है, उसके बाद इन लोगों को ले आ करके जो है हमने कहा कि भाई इनके घर जो है फिर फोन करने का वो प्रयास किया, एक आध दो लोगों के घर बात भी हुई और इनको हमने कहा कि भाई ठीक है आपको ठीक है माफ करते हैं। ये लोग फिर वो करने लगे सर माफ कर दीजिए, फिर उनके ठीक है 5 बार आप जो है दंड बैठक करिए और उसके बाद फिर जो है जाइए। इतनी सी बात थी और ये अनुशासन की जगह है और इसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए हमारे पास जिम्मेदारी दी गई है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम किसी स्टूडेंट विशेष को कोई टारगेट करके या इस तरह से हमारा कोई भावना नहीं, मैं तो जानता भी नहीं कि वो कौन थे। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, उनकी आईडी रखा था वो वापस कर दी। सर वो 4 छात्र जो भी हैं तो वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक जगह पे हमको उठक बैठक करा गया, उनकी भावनाएं आहत हुई, वो कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करने गए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सार्वजनिक जगह पर वो उसका हमारा मतलब ये थोड़े था कि उनको जो है कोई बेइज्जत करना है, वो तो एक आप जानते हैं बच्चों को जो है इस तरह का अगर कोई टीचर कोई प्रोफेसर अगर ऐसा करता है तो कोई किसी दूसरे भावना से थोड़े करता है, वो तो सुधार के लिए करता है और ये अनुशासन की जिम्मेदारी है मेरे पास। तो क्या मैं सबको जो है वो करता रहूं, क्या सस्पेंड कर दूं, क्या उनके खिलाफ इस तरह का कार्रवाई कर दूं? जो छोटी छोटी उनकी गलती थी उसकी सजा उतनी थी वो दिया हमने जो है। शिकायत लेके आए थे आपके पास, काफी उग्र भी दिख रहे थे, गुस्से में भी दिख रहे थे, अपनी मांग उन्होंने क्या रखा, क्या आपने उनको आश्वासन दिया? कुछ बच्चे आए हुए थे उनके साथ, कुछ और स्टूडेंट आए हुए थे विश्वविद्यालय के,
और उनका कल एक जो घटना को लेकर वो थोड़ा आक्रोशित थे। उनका ये कहना था कि कल जो चीफ प्रैक्टर हैं उनके द्वारा जो है बच्चों को खड़ा कराकर और उनसे माफ़ी मंगवाना या कान पकड़ाना ये जो कार्य हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, इस पर भी काफ़ी आक्रोशित थे। और इस चीज़ को लेकर वो उन्होंने मांग किया है कि चीफ प्रैक्टर को इस घटनाओं को और अन्य घटनाओं को लेकर उनको हटाया जाए और उनको इस पद से बर्खास्त किया जाए। सर क्या डिसीजन आप लोग द्वारा विशेषज्ञ से बात मेरी हुई है, क्योंकि वो आज नहीं है आउट ऑफ सेशन है संभवतः वो, तो उन्होंने कल 11 बजे जो है इस संदर्भ में इस पटर पे उन्होंने एक मीटिंग बुला रखी है और सुनने के उपरांत वो उनके द्वारा जो भी होगा वो निर्णय लिया जाए।